नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, चाहे निम्न स्तर की हो, चाहे उच्च स्तर की हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। अष्टछाप के कवियों में से एक प्रश्न ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है या अष्टछाप की स्थापना कब हुई, और अष्टछाप में 8 सखा थे, 8 कवि थे। आचार्य वल्लभाचार्य जो थे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। 8 कवियों का एक समूह बनाया था जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि ऐसे थे जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इन 4-4 कवियों को इकट्ठा करके और उन्हें अपना आशीर्वाद देके एक अष्ट सखा 8 कवियों की मंडली, अष्ट सखा मंडली तैयार की गई जो श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन में, जो श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन में है उसमें ये 8 पहर सेवा करते थे। तो उस मंदिर में सेवा करने वाले अष्ट सखा, यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है। आइए बात करते हैं, ये बात हो गई 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे और पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। इन्हें अष्ट सखा या अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे और विट्ठलनाथ के शिष्य 4 थे। प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है या कौन सा है, या कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य है, कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य है या नहीं है, इस प्रकार से आता है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे, उन 4 में कौन कौन थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है, आप एक छोटी सी ट्रिक तैयार करेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद जीवन में कभी भी यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और क्रम से जन्म तिथि के क्रमानुसार ये ट्रिक तैयार की गई है। सबसे बड़े कुंभनदास थे, तो ट्रिक है कुंभसूर परम कृष्ण, कुंभसूर परम कृष्ण, 2-3 आप उच्चरित करेंगे आपको ये याद हो जाएगी, क्या कुंभसूर परम कृष्ण, कुंभसूर परम कृष्ण। तो कुंभ से ये जो कुंभ है, कुंभ से कुंभनदास, ठीक। सूर है दूसरा, सूर से सूरदास। तीसरा परम है, परम से परमानंद दास। और चौथा है कृष्ण, कृष्ण से कृष्णदास, ठीक है। बहुत सरल तरीका है और चारों जन्म तिथि के अनुसार लग गए, कैसे कुंभसूर परम कृष्ण, आप याद कर लेंगे कुंभसूर परम कृष्ण, वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभसूर परम कृष्ण, ठीक है। कुंभनदास सबसे बड़े थे उम्र में, ठीक। और ऐसे ही फिर विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, इनके शिष्य कितने थे, 4, और वल्लभाचार्य के शिष्य कितने थे, वल्लभाचार्य के 4, दोनों के 4-4 थे। अब विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे उसके लिए ट्रिक तैयार की गई है, छोटी सी ट्रिक है, गोछी चतुर नंद, ठीक है। गो से गोस्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, गो से क्या है, गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, ये दोनों स्वामी हैं, आप याद रखेंगे, पीछे दोनों के पीछे स्वामी स्वामी है, तो आप गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, कैसे गो से और छी से, गो छी चतुर, चतुर से चतुर चतुर्भुजदास, चतुर से चतुर्भुजदास और नंद से नंददास, ठीक है, नंद से नंददास। बहुत सरल है, 2-3 ट्रिक आप पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। विट्ठलनाथ के शिष्य गोछी चतुर्नंद, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अब पूछा जाए सबसे बड़े कौन थे उम्र में, तो ये थे, सबसे छोटे कौन थे, तो ये थे, ठीक है। 8 में सबसे छोटे नंददास थे, ठीक है, और सबसे प्रमुख कौन थे, तो सूरदास ही थे, पूरे अष्टछाप में सबसे प्रमुख थे सूरदास, जिन्होंने सूर सागर लिखा है और आपने इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें।